प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब कुछ ही देर बची है, श्री कृष्ण का जन्म उत्सव पूरे दिन मनाया गया। अब जन्म की बारी है और पूरे देश दुनिया में श्री कृष्ण की जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। तो वहीं लखनऊ के केशव नगर स्थित पंचदेव नागेश्वर महादेव मंदिर में भी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पंचदेव नागेश्वर महादेव मंदिर में हमारे संवाददाता पहुंचे हुए हैं और जो कार्यक्रम है उसकी तस्वीरें आपको सीधी हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से भव्य कार्यक्रम हो रहा है। आज कृष्ण की अलग ही छटा दिख रही है, बाल रूप से लेके लीलाओं तक सभी अलग अलग झांकियों के रूपों में देखने को मिल रहा है। सारे मंदिर सजे हुए हैं और हम आपको तस्वीरें अब दिखा रहे हैं केशव नगर के पंचदेव नागेश्वर महादेव मंदिर की। माता जी को कहीं आमंत्रित करना है, कथा भागवत का तीन आयोजन है, पहले पूरे भाव जी को भी कहना पड़ेगा, और जी आपको भी आना है और बाबू जी आएंगे तो माता जी को महाराज करूंगा देंगे। अकेले माता जी को बुलाओ तो शायद आने में थोड़ी ईद होगी, इसलिए जो अकेली लक्ष्मी को बुलाएगा वो खुली रहेगा, नारायण के साथ लक्ष्मी आएगी तो गरुड़ भी आएगी तो सुखी भी है। उसके बाद पूरा मंथन हुआ तो महाराज बाल्मीकि प्रेम हुई तो दानव पौनी और पूरा मंथन हुआ तो साक्षात भगवान धनवंतरी अमृत कल्प दैत्यों ने देखा कि जब यह अमृत और दैत्यों ने छीना और लोगों को क्या हमें देखा के सारे देवता भगवान के पास गए। भगवान कहते चिंता करो मैं चलता हूँ और भगवान ने समय देख कर सुंदर विश्व मोहिनी का रूप बनाया और देवता महाराज का प्रसन्न है और दैत्य भी आपस में लड़ रहे हैं। कहते मेरे बाप पहले मैं चुनूंगा, दूसरा कहता मेरे बाप पहले मैं चुनूंगा, तीसरा कहता मेरे बाप पहले मैं चुनूंगा और उसी ही लेकर माता लक्ष्मी के स्वरूप में मोहित भगवान प्रकट हो गए। सारे के सारे देखकर मोहित हो गए और कहने लगे अरे कांतम कंज जलपला साक्षी कुतो वाचिन चिकीर शशि, अरे कमल रहनी, अरे सुसुंदरी, अरे सुमोहिनी तुम कौन हो, कहां से आई हो, अरे तुम्हारा विवाह वगैरह हुआ कि नहीं, विश्वमोहिनी भगवान ने थोड़ा त्याग दिखाया, रे हो तुम कौन हो, तो मुझे तुम नहीं जानने वाले, मेरा विवाह हुआ नहीं हुआ, होगा नहीं होगा, तुम्हें क्या मतलब, कहते हैं मुझे भी दैत्य करे ऐसा वैसा मत समझो, वयम कस्य पदा यादा ब्राह्मण पौरुष कश्यप की संतान है हम सब, और देखो अभी समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त किया है, अब तो मोहिनी भगवान ने और थोड़ा त्याग दिखाया कि कथम कश्य पराया पुष्प, अरे तुम कश्यप की संतान होकर भी एकदम मूर्ख हो, हे रवि तू हमें मूर्ख क्यों करती हो, कहती और क्या तू कश्यप की संतान होकर किसी अपरिचित स्त्री पर विश्वास करना ये मूर्खता नहीं, तू क्या है, अब तो महाराज दैत्यों में और विश्वास बढ़ा, ये कोई उच्च कुल की कुलीन पदु करती है, देवी अब कुछ भी हो जाए अमृत तो तुम्हारे हाथों से ही पीना है। कहते हैं सुनो भैया मैं अमृत तो पिलाऊ लेकिन किसी के मुख में एक आध बूंद कम और ज्यादा हुआ तो बोले उसकी चिंता ना करो तुम तो पिला दो। मोहिनी भगवान ने अमृत लिया और अमृत लेकर कहते हैं सुनो भैया मुझे दिख रहा है कि जो ये अमृत है ना इसमें जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है ना वो नीचे है और जो पतला पतला है वो ऊपर आ गया, क्यों ना ये पतला पतला एक एक बूंद दैत्यों को पिला दे और गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिलाए, क्योंकि दैत्य तो सब रूप में मोहित हो चुके हैं। हाँ जी जो आप करो, अब मोहिनी भगवान भागवत वर्णन है अमृत पिलाने का तरीका, देखो अमृत पिला रही है दैत्यों को और देख रहे हैं भगवान अमृत पिला रहे हैं देवताओं को और देख रहे हैं दैत्यों की तरफ,
यानी रूप सुधा का रसपान दैत्यों को करा रहे हैं और अमृत सुधा का रसपान देवताओं को करा रहे हैं मोहिनी भगवान। लेकिन उन दैत्यों ने एक श्रद्धालु सिंहिका का पुत्र था, वो बड़ा होशियार था। उसने सोचा हम दैत्यों का न कुल अच्छा, न खानदान अच्छा, न सूरत अच्छी, कुछ भी अच्छा नहीं, फिर भी देख हमारी तरफ नहीं है और अमृत देवताओं को बिना रही कुछ दान में काला है। तो महाराज रूप बदल के सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया, उसको भी अमृत पिला दिया। लेकिन जैसे इशारा किया चंद्र और सूर्य ने, प्रभु ये नकली है, भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया और उसके सर को धर दिया। वो तो अमृत पी चुका था, इसलिए एक ऊपर का धन राहु और नीचे का धन केतु बन गया। पहले सात ग्रह थे, यहाँ पे ग्रहों की पूजा करते हैं ना। देखो अच्छे व्यक्ति का संग छड़ी कहीं क्यों न हो, तो महाराज कल्याण करता है। उसने स्वर भर में छड़ी मात्र देवताओं का संग किया तो ब्रह्मा ने नवग्रह में राहु और केतु के रूप में देवता की प्रति में स्थान दे दिया। राहु और केतु नवग्रह के रूप में, इसलिए राहु का सिर्फ फल होता है। राहु कभी भी हमला करता है तो पीछे से ही करता है, महाराज ये राहु की विशेषता है। राहु कभी आगे से आक्रमण नहीं करता, पीछे से। और ये जो आधार है ये केतु के रूप में परिणत हुआ है। और जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए, देवताओं दैत्यों में बहुत बड़ा भीषण संग्राम हुआ, देवता अमृत पी चुके हैं, सारे दैत्यों को मारे लाया। लेकिन शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते थे, सभी को जीवित कर लिया। बलि ने कहा गुरुदेव आज आपकी कृपा से जीवित हुए, अब क्या करें? तो गुरुदेव कहते चिंता न करो, उनके पास अगर नारायण है तो तुम्हारे पास गुरु जी, बस मेरी बात मानते रहो, ठीक से कल्याण होगा। बोले नारायण कि कोई और कार्य नहीं है तो फिर, बोले नारायण अगर दत्ता है तो ब्राह्मणों से, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च सगल हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण अगर झुकते हैं तो या तो ब्राह्मण या गौ के सामने और किसी के सामने, इसलिए ब्राह्मणों का पूजन और नर्मदा तट पे यज्ञ पर यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मणों ने तेजों में रथ किया और बलि रथ को लेकर देवलोक में चढ़ाई कर दी। देवगुरु बृहस्पति ने कहा भैया भागो, इस समय बलि के साथ ब्राह्मणों का तेज है, इसका सामना कोई नहीं कर सकता। और इधर महाराज बेटा दुखी हो तो भले एक बार पिता इधर उधर कर दे, लेकिन माँ को बहुत कष्ट होना है। और देवताओं की माता है अदिति, इसलिए कश्यप से उन्होंने कहा मुझे कोई ऐसी संतान दे जो मेरे बेटों के खोए हुए राज्य को लाकर दे दे। इसलिए 12 दिन का एक पर्यवृत बनाया है कश्यप ने अदिति को। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से द्वादशी तक 12 दिन का यह व्रत, पहले शुद्ध देसी गाय का दूध पीकर मात्र और भगवान नारायण की पूजा जो माँ बहन करती है उसे अपनी मन चाही संतान प्राप्त होती है। यह व्रत माँ अदिति ने किया है। जैसे ही यह व्रत पूर्ण हुआ, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिषिक्त मुहूर्त मध्यान्ह 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हो गया। प्रभावन भगवान की, वामन भगवान की, और वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। सभी ने इच्छा दी है, और क्योंकि मैं थोड़ा सार में बढ़ूंगा, क्योंकि जन्म ठीक समय पे होना है भैया। क्यों? क्योंकि कथा वैसे ही एक दिन बिफोर चल रही है, एक दिन की दो दिन की कथा एक दिन में, तो मैं विस्तार कल अन्य कथाओं का करूंगा। लेकिन आज 12 बजे
जन्म तो करना ही करना है, क्योंकि कथा ठाकुर जी नागेश्वर महादेव की कृपा से 1834 है। भागवत के अनुसार कथा में भगवान का जन्म 14 दिन होता है, बाबू जी को पता है, लेकिन भैया आज जब साक्षात उसका जन्म है तो हमें कथा कहने में क्या आफत है। अरे हमको तो जन्म ही इसीलिए उसने दिया है, गुणगान ही उसका करना है, और फिर ऐसे श्रोता मिले तो फिर क्या कहना महाराज, फिर तो प्रभु की कृपा परस्ती पहता है। इसलिए बृहस्पति को कहने लगे गुरु रक्षा बृहस्पति कहते त्रैलोक के चाहिए, तो भागवत गीता का भी आयोजन किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कई जगह पे ऐसे आयोजन किए जाते हैं कि भागवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े संदेश को जनता तक पहुंचाया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। जितनी भी लीलाएं करी हैं श्री कृष्ण ने, उसके पीछे क्या संदेश छुपा है, इस बारे में बताया जाता है। और जिस तरह से हम आपको ये तस्वीरें अभी दिखा रहे थे, तो इनके माध्यम से बस यही उद्देश्य था कि जन्म से पहले आप भी जाने श्री कृष्ण के उन संदेशों के बारे में, पंचदेव नागेश्वर महादेव मंदिर में जो कि केशव नगर लखनऊ में स्थित है, वहां पे भागवत का पाठ चल रहा है और कुछ देर में यानी कि 12 बजते ही वहां पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म किया जाएगा। उसके बाद उन्हें उनका अभिषेक किया जाएगा, महाअभिषेक किया जाएगा, जिसमें तुलसी का दल भी होगा, शहद भी होगा, दही होगा, देसी घी होगा, तमाम वो चरणामृत में उपयोग होने वाली चीजें होंगी, उन सभी चीजों से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाएगा। गंगा जल, शहद, मेवे, देसी घी, दही, दूध, तमाम चीजों से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। हल्दी चंदन लगा के उनका श्रृंगार किया जाएगा, फूलों से सजाया जाएगा, माला पहनाई जाएगी, नए वस्त्र पहनाए जाएंगे। एक नए बालक का जब जन्म होता है तो जिस तरह से उसे सजाया जाता है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को भी सजाया जाएगा। जन्म के बाद स्नान होगा, महाभिषेक होगा पंचामृत से, उसके बाद उन्हें नए वस्त्रों से सुशोभित किया जाएगा, उन्हें सजाया जाएगा, उसके बाद लोगों को दर्शन मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण के। जैसे ही रात्रि के 12 बजेंगे वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था अंधेरी रात में, उसी तरह से भगवान का जन्म कराया जाएगा। और कई जगह पे आज बारिश भी हो रही है, बिल्कुल वैसा ही मौसम बन गया है जैसा भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय पे हुआ था। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम आपको तमाम जगह के मंदिरों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको वो झांकियां भी दिखा रहे हैं जो आप अपने घर पे बैठे नहीं देख पाएंगे। भगवान के अलग अलग रूपों के दर्शन हमने आपको करवाए, हर एक जिले में भगवान का मान्यता प्राप्त अलग अलग मंदिर हैं, भगवान के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, और इन तमाम रूपों को हमने आप तक पहुंचाया अपनी चैनल के माध्यम से। और मंदिरों में जिस तरह से आज भव्यता देखने को मिल रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग झांकियां, भव्य मनमोहक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, वो बाल स्वरूप दिखा रहे हैं किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, बाल लीलाएं हो, जो रास लीलाएं हो, उन तमाम चीजों के बारे में हम बात भी कर रहे हैं। भगवान राधा और कृष्ण के जो प्रेम है उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, भगवान के प्रति आस्था रखने वाली मीरा के बारे में भी हमने बात करी है। हम आज बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी, श्री कृष्ण जिन पे अपार श्रद्धा अपार प्रेम न्योछावर किया जाए तो भगवान कोई संकट नहीं होने देते। भगवान ने अपने पूर्ण जीवन में जिन संघर्षों का सामना किया, भगवान होने के बाद भी उन्होंने जब मानव रूप लिया तो उन्होंने कई संघर्षों का सामना किया। जन्म जेल में हुआ, एक आतंकी राक्षस कहा जाए दुराचारी कंस से वो
दूर होने के लिए, लोगों की रक्षा के लिए वो अपने माता पिता से दूर हुए, दूर पले बढ़े, अपने माता पिता के साथ नहीं रहे, कई राक्षस कई असुरों का सामना किया। उसके बाद जब वो बड़े हुए तो उन्होंने कंस का वध किया, कई चुनौतियों का सामना किया। उसके बाद उनका जो अहम योगदान रहा, जो उन्होंने गीता का सार महाभारत के समय में पेश किया, पांडवों का मार्गदर्शन किया, इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो अपने आप में जब भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को इंसान समाहित कर लेगा तो एक अलग ही मकाम पर पहुंचेगा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इन तमाम चीजों के ऊपर बात होती है, इंसान उनके गुणों को अपने में समाहित करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं अपने अंदर के बुराई को निकाल कर कृष्ण के जो संदेश थे उनको समाहित करने की कोशिश करता है। जिस तरह से भगवान ने असुरों का दमन किया, हम अपने अंदर की बुराइयों का दमन कर भगवान श्री कृष्ण से प्रेरित हो सकते हैं, उनके ज्ञान जो उन्होंने गीता में दिए हैं, गीता का जो सार है उसको समझें अगर, तो इंसान अपने जीवन में आने वाले दुखों से किस तरह से छुटकारा पा सकता है, किस तरह से निडर होके बिना रुके संघर्षों का सामना कर सकता है, इंसान को इस चीज की भी सीख मिलती है। भगवान ने कई लीलाएं करी हैं और इन सब लीलाओं का वर्णन भी मिलता है अलग अलग जगह, और कई ऐसी जगहें हैं जहां पर झांकियों के रूप में भी ये वर्णन किया गया है। जब इंद्रदेव रुष्ट हो गए थे तो उस वक्त घोर बारिश हुई और घोर वर्षा से लोगों को बचाने के लिए भगवान ने पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा के लोगों को एक सहारा दिया, आश्रय दिया, जहाँ पे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। भगवान ने हमेशा सबकी दुख संकट दूर करे है, सबकी पीड़ा हरी है, और जो भी भगवान में पूरे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ उनमें आस्था रखता है, उनकी सभी मनोकामनाएं भी श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं। और अब हम रुक करेंगे गोरखपुर का, जहां से हमारे साथ संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब कुछ ही समय बचा है और अभी भी भक्तों की जो कतारें वो हम आपके पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में, तो जो भक्ति भाव है लोगों में वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। किस तरह से देखते हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है गोरखपुर में? जी बिल्कुल सिखा, यहाँ पे आपको बता दें कि भीड़ बढ़ती जा रही है, 11:30 बजे के समय हो चुका है और 12 बजे जो है जन्म उत्सव मनाया जाता है, और ऐसे में आपको दिखा दे कि चारों ओर पूरी तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्तिमय है पूरा माहौल, और हम जलकल में खड़े हुए हैं और जलकल में पूरी तरह से जितनी भी तरह आप देखें, बच्चे महिलाएं सब लोग यहाँ पे हैं, पुरुष हैं, सब लोग यहाँ भक्ति भावना में एकदम पूरी तरह से डूबे हुए हैं। सरोवर है, कोई कृष्ण बन के आया है तो कोई बलराम बन के आया है, तो ऐसे में काफी महत्व रखता है, और काफी चूंकि भगवान नारायण का अवतार माने जाते हैं भगवान कृष्ण, तो इसका काफी महत्व है सनातन धर्म में। जी हिमांशु, आपके पीछे झांकियां भी देख सकते हैं, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं उन झांकियों के बारे में, किस तरह की झांकियां बनाई गई हैं, जेल में श्री कृष्ण को दिखाया गया है या फिर उनका कोई और रासलीला करते हुए रूप दिखाया गया है, किस तरह से सजाया गया है मंदिर? जी बिल्कुल सिखा, आपको बता दें कि हमारे ठीक पीछे यहाँ पे झांकियां सजी हुई हैं और पूरी तरह से लोग यहाँ झांकियों के दर्शन कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, और यहाँ पे आपको बता दें कि नरसिंह अवतार को दिखाया गया है और सामने श्री कृष्ण अवतार को दिखाया गया है, और इसी के साथ साथ श्री कृष्ण के बाल रूप को भी दर्शाया गया है। सिखा, जिस तरह से कुछ ही समय रह गया, सारे अवतारों को यहाँ दिखाया गया है और जन्म उत्सव की यह तैयारी किया जा रहे हैं। यहाँ बच्चियों को बता दें, ये पूरी तरह से बच्चियां हैं, ये राधिका बन के आई हुई हैं, कहीं कोई कृष्ण के रूप में है तो कोई यहाँ पे राधा के रूप में है, और ये आप देख सकते हैं राधा के रूप में बच्ची है, और इसको देखिए ये अंदर जा रही है, इसको बुलाया जा रहा है झांकी के लिए, और ठीक दिखा सकते हैं आपको आगे, ये देखिए राधिका बन के बच्ची है और ये यहाँ पे आई हुई है। अगर बात करी जाए गोरखपुर के प्रमुख मंदिरों की, जहाँ पे आज सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, वो कौन कौन से मंदिर है हिमांशु? हिमांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बता दें कि
पूरी तरह से यहाँ पे श्री कृष्ण के सारे अवतारों को दिखाया गया हुआ है और लोग भक्ति भावना में एकदम डूबे हुए हैं। सरोवर पे एकदम भक्तिमय हो चुका है माहौल और ये भक्तों की पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ पे झांकियों को देख रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ देखिए बच्चियां हैं और बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी जो हैं यहाँ पे लगातार दर्शन कर रहे हैं। सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पे लगे हुए हैं जो सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं पुलिस के अलावा। और ऐसे में आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है, सबको बैरिकेडिंग कर करके क्रमबद्ध जो भेजा जा रहा है ताकि लोग दर्शन करते रहे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों में जो भक्ति का भाव है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन काफी शांत होते हुए दर्शन कर रहे हैं भक्त, क्योंकि जिस तरह का माहौल होना चाहिए राधा राधे और राधे कृष्णा का तो वो नहीं कहीं देखने को मिल रहा है। हिमांशु छोटे छोटे बच्चों को आज लोगों ने कृष्ण रूप में सजाया हुआ है। यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे जो हैं कृष्ण के रूप में हैं, बाल गोपाल के रूप में हैं और कृष्ण के बाल अवतार के रूप में सब कृष्ण कन्हैया के रूप में बच्चे हैं। पूरी तरह से इनको जो है सजाया गया है कि बच्चे जो है कृष्ण के रूप में हैं, जो लड़कियां हैं कन्याएं हैं उनको जो है पूरी तरह से राधिका के रूप में रखा गया है और बड़ा भक्तिमय माहौल है शिखा। और पूरी तरह से बता दें कि पूरा यहाँ पे आपको पैर रखने की जगह नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं कि रखने की जगह जो नहीं होती है। हालांकि यहाँ पे आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे आज बारिश भी हुई है, चूंकि काफी गर्मी हुआ करती थी और आज उस गर्मी से राहत मिली है और यहाँ पे आप पूरी तरह से देख सकते हैं भक्ति का माहौल है। शिखा जी, हिमांशु हम देख सक रहे हैं काफी भीड़ है और ऐसे में जो कोविड नियम है कहीं ना कहीं लोग उसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीते सालों जिस तरह से कोविड की मार झेली जनता ने, लोगों ने घर से बाहर नहीं निकल पाए, मंदिरों में भीड़ नहीं थी, बिना भक्तों के ही मंदिर सजे, इस बार लोग घर से बाहर निकले क्योंकि कोरोना का प्रकोप कम है लेकिन मास्क लगाए भी नहीं दिख रहे। हम चाहेंगे आप जनता से बात करें कि कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और मास्क क्यों नहीं लगाया है। तो हमारे संवाददाता मौजूद हैं और हमारा संपर्क टूट गया है हिमांशु से, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े थे और हम देख पा रहे हैं किस तरह से भव्य नजारा मंदिर में है, झांकियां सजाई गई हैं जिसको देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है और इन भक्तों की भीड़ बता रही है कि वो कितने उत्सुक है इस बार जन्माष्टमी बनाने के लिए। कई मंदिरों में गूंज रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा, तो कहीं पर गूंज रहे हैं राधे 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 कृष्णा, और राधे कृष्णा की इस गूंज ने वातावरण को एकदम बदल के रख दिया है। और कोरोना काल के बाद जिस तरह से मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है वो हम देख पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को आज कृष्ण रूप में सजाया गया है, लोगों ने अपने घरों के मंदिर भी सजाए हैं और श्री कृष्ण को झूला झुलाते हुए आज लोग नजर आ रहे हैं। तो वहीं जब 12 बजे जन्म होगा श्री कृष्ण का, जब उनका अभिषेक किया जाएगा पंचामृत से, उसके बाद लोग उन्हें झूले में बैठाएंगे, झूला झुलाएंगे। आज के दिन श्री कृष्ण को झूला झुलाना काफ़ी अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि श्री कृष्ण की भक्ति से सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। आज के दिन उपवास रखकर श्री कृष्ण को अगर प्रसन्न किया जाए, उनका जन्मोत्सव बड़े खुशी के साथ मनाया जाए, उन्हें झूला झुलाया जाए, भक्ति भाव से उन्हें प्रसन्न किया जाए तो वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज बाल रूप में कई राधा कृष्ण देखने को मिल रहे हैं, सब कृष्ण रूप में सजे हुए हैं और इस कृष्ण रूप को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। कोरोना काल में लोग अपने घरों से नहीं निकल पाए तो वहीं इस बार अलग ही छटा देखने को मिल रही है, मंदिरों में भगवान के मनमोहक स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। तो मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है और आज भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है मंदिर में। लोग जयकारे लगा रहे हैं, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, राधे 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 कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, इस तरह से मंदिरों में जयकारे जय घोष गूंज रहे हैं और जैसे ही 12 बजेगा वैसे भगवान का जन्म होगा मंदिरों में, शंखनाद होगा,
घंटे घड़ियालों से भगवान का स्वागत किया जाएगा। इतना ही नहीं, भगवान का जन्म एक बालक की तरह ही कराया जाता है, और जिस तरह से बालक का जन्म होता है 6 दिन बाद छठी की पूजा होती है, भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म होगा, 6 दिन बाद छठी का पर्व भी मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की जो आस्था है लोगों में वो काफी अहम है। लोग भगवान को अपने घर में लड्डू गोपाल को रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं प्रतिदिन, उनको स्नान भी कराते हैं। जिस तरह से एक बच्चे की सेवा करी जाती है, उस तरह से भगवान को रखते हैं, भगवान को मानते हैं, मनाते हैं, भगवान से रूठते भी हैं कुछ लोग, कुछ लोग शिकायत भी करते हैं, भगवान को अलग नहीं समझते हैं। और लड्डू गोपाल से जो लोगों का लगाव है वो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मंदिरों में किस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है और ये बाल स्वरूप हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से, मंदिरों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई लीलाएं हैं जो काफी प्रसिद्ध है, और इन लीलाओं का वर्णन आपको जगह जगह मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने बालपन में ही पूतना का वध किया था, जब थोड़े बड़े हुए कई ऐसे राक्षसों का वध किया, फिर कंस का वध किया, छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, रास रचाई, और राधा से प्रेम की कहानी वो तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो नहीं जान पाया होगा। श्री कृष्ण और राधा की जो प्रेम की कहानी है वो कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है, कई लोग उसको आदर्श मानते हैं। जिस तरह से उन्होंने राधा से प्रेम तो किया लेकिन विवाह नहीं किया, ये भी एक मिसाल है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया और प्यार का संदेश देने के लिए, ये बताने के लिए कि जो प्रेम है वो आत्मा का जुड़ाव है। कहीं ना कहीं लोग राधा कृष्ण को जो एक साथ पूजते हैं, इसके पीछे भी कई कहानियां हैं, कई मान्यताएं हैं, और लोग ऐसा बताते हैं कि जो श्री कृष्ण थे और राधा थे वो कभी एक दूसरे को अलग नहीं मानते थे, दोनों एक जिस्म, दो जिस्मों एक जान की जो बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं राधा कृष्ण में देखने को मिलता था। दोनों एक दूसरे को अलग नहीं मानते थे, और ऐसी मान्यता है कि इसी वजह से उन्होंने विवाह नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि राधा कृष्ण के जितना कोई प्रेम नहीं कर सकता, अपार प्रेम करते थे दोनों एक दूसरे से, और एक आत्मा होने की वजह से उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। कि एक आत्माओं का विवाह कैसे हो सकता है, दो जिस्मों का, दो आत्माओं का विवाह होता है, लेकिन दो जिस्म तो थे लेकिन आत्मा जो थी, जो प्राण थे वो एक थे, इस वजह से उन्होंने विवाह नहीं किया। उन्होंने एक संदेश दिया कि प्रेम अमर होता है, वो कभी कम नहीं होता, वो कभी नहीं घटता है। और राधा कृष्ण की कई ऐसी लीलाएं हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं, सभी उसको जानते हैं, लेकिन सभी इस ये सवाल भी उठाते रहे हैं कि आखिर उन्होंने इस धरती पे आए प्रेम का संदेश देने, लेकिन वो प्रेम अधूरा क्यों रहा, विवाह क्यों नहीं हुआ। तो जब वो एक दूसरे को प्रेम करते थे तो एक दूसरे से विवाह करना जरूरी नहीं था, उनका प्रेम हमेशा वैसा ही रहा उनके लिए, और यही वजह है कि आज भी मंदिरों में श्री कृष्ण की अर्धांगिनी रुक्मणी साथ में नहीं नजर आती, साथ नजर आती हैं तो श्री कृष्ण के साथ नजर आती हैं राधिके। राधिके का नाम लेते ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, अगर कृष्ण को प्रसन्न करना हो तो राधा का नाम लिया जाता है। और आज जब श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है तो जन्म उत्सव के मौके पर सभी राधे राधे नाम जप रहे हैं। मंदिरों में जो हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है वो काफी भव्य है, और इस भव्यता को बरकरार करते हुए भक्तजन भी नजर आ रहे हैं। भक्त राधे राधे का जाप कर रहे हैं, राधे कृष्णा का जाप कर रहे हैं, प्रसाद का भोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रसाद, अगर प्रसाद की बात आई है तो भगवान कृष्ण को तुलसी का दल भी अर्पित किया जाता है। आज 56 तरह का भोग लगाते हैं लोग अपने घरों में भी, मंदिरों में भी। मंदिरों में तो अगर कहा जाए तो कहीं कहीं पे तो 256 भोग लग रहे हैं। दुल्हन की तरह मंदिर को सजाया गया है, और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ऐसे जय घोष भी देखने को मिल रहे हैं। भगवान का नाम आज जप रहे हैं लोग घरों में, और मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो भगवान की झांकियों के दर्शन कर रहे हैं। कई कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने राधा कृष्ण का रूप धरा है और नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को।
कई संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं कहीं पे भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भागवत गीता का आयोजन कर भी किया गया है। भगवान के पूरे जीवन की कहानी भागवत गीता के सार में छुपी, और गीता का जिस तरह से भागवत का आयोजन किया जाता है, लोग भागवत का आयोजन करवाते हैं ताकि लोग अपनी परंपरा को ना भूले, जो संस्कृति है उसको बरकरार रखें, और संस्कृति को बरकरार रखने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो अपने देवताओं के बारे में जाने और देवताओं के साथ साथ जो उनसे जुड़ी कहानियां हैं उनके बारे में जाने, जो संदेश दिया है हमारे देवताओं ने उसको भी जाने। खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जब एक इंसान का जन्मदिन होता है तो उसको भव्य तरीके से मनाया जाता है, तो श्री कृष्ण का जन्मदिन भव्य तरीके से क्यों ना मनाएं, वो तो हमारे दिल के सबसे करीब है। और इसी प्रेम के चलते आज भक्तों का जो जमावड़ा है मंदिरों में देखने को मिल रहा है। माखन चोर कहा जाता है श्री कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने काफी मटकियां तोड़ी हैं, माखन चुराया है घर से। मथुरा वृंदावन सभी गलियों में श्री कृष्ण की धूम है, श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज रहा है आज मथुरा वृंदावन, और मथुरा वृंदावन में हर एक गलियों में श्री कृष्ण का शोर है। श्री कृष्ण की रास लीलाओं को याद किया जा रहा है, उनकी तमाम लीलाओं को याद कर रहा जा रहा है, और जो बाल स्वरूप है आज झांकियां देखने को मिल रही हैं, काफी मनमोहक है। देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, और इस जन्माष्टमी के पर्व पर अगर राधे राधे नहीं बोला तो क्या किया। जितनी बार राधे राधे बोला जाए वो कम है। मनमोहक झांकियां तो आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में, लेकिन अगर राधे राधे बोलेंगे तो ऐसा बोला जाता है कि पापों से मुक्ति मिलती है। मंदिरों में हमने आपको दर्शन करवाए आज इस्कॉन टेम्पल के भी, इस्कॉन टेम्पल में किस तरह से आज मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्यौहार काफ़ी हर्षोल्लास के साथ। और अब अगर देखिए जाए तो कुछ ही समय बचा है, हम न्यू ईयर पे करते हैं काउंटडाउन, लेकिन अगर आज काउंटडाउन करा जाए तो बस आधी घंटा बचा है, और आधी घंटा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी उत्साहित करने वाला है। मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो काफ़ी अलग है। मनमोहक समा है, श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं सभी भक्त, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे श्री कृष्ण की भक्ति में सभी डूबे हैं, और ख़ास तौर से मीरा। अगर बात है श्री कृष्ण की तो अगर अनन्य भक्त की बात करी जाए तो मीरा को कैसे कोई भूल सकता है। विष का पान कर लिया कृष्ण का नाम लेकर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर श्री कृष्ण की लीलाओं की बात हो रही है तो द्रौपदी को कैसे भूला जा सकता है, जहाँ भरी सभा में चीर हरण किया गया लेकिन भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, पांडवों का मार्गदर्शन किया और महाभारत का युद्ध नहीं हारने दिया। जब कौरव पांडव एक साथ श्री कृष्ण के पास आए तो श्री कृष्ण ने कहा कि खुद ही चयन कर लो कि तुमको माधव चाहिए या मेरी सेना। तो जहां कौरवों ने श्री कृष्ण की सेना ली तो दूसरी तरफ पांडवों ने श्री कृष्ण का साथ चुना, और यही वजह थी कि श्री कृष्ण का साथ चुनने वाले को हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। पांडवों की विजय हुई महाभारत के युद्ध में, और कौरवों ने श्री कृष्ण की सेना के बाद भी हार पाई। तो ये है श्री कृष्ण की वो ताकत जिसको आज भी लोग जानते हैं। यही वजह है कि सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी श्री कृष्ण को पूजते हैं, श्री कृष्ण की जो भक्ति है उसमें लीन होते हैं, सनातन धर्म की तरफ बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जब बात ही हो रही है श्री कृष्ण की तो श्री कृष्ण ने अनेकों तरह के संदेश दिए हैं। मित्रता का भी संदेश दिया है, सुदामा को कैसे भूल सकते हैं श्री कृष्ण के मित्र, जहां श्री कृष्ण ने सुदामा को सिर्फ 3 मुट्ठी चावल के बदले 3 लोक दे दिया। 4th मुट्ठी चावल देने लगे तो रुक्मणी ने रोक लिया कि क्या आप मुझे भी दे देंगे। तो ये लीलाएं हैं जिसको आज हम याद कर रहे हैं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, और ऐसे में कैसे हम भूल सकते हैं श्री कृष्ण की उन लीलाओं को जो उन्होंने करी है, और हर लीला के पीछे एक संदेश दिया है। किस तरह से वो शेषनाग पे चढ़ के नृत्य करते हुए नजर आए बेखौफ, कभी किसी से डरे नहीं, ना कंस से डरे या फिर राक्षसों से डरे। देश भर में
कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण के रूप और उनकी लीलाओं पे हम बात करते रहेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।